Wow, this is beautiful. It's really nice. आप हमेशा इतनी तमीज से पेश आते हैं. It's absolute rubbish. कोई भी बना सकता है इस तरह की पेंटिंग. हमारे पास में एक साहब रहते हैं. उन पर अपनी बीवी की पोर्ट्रेट बनाने का भूत सवार था. तो मैंने अपने ब्रश से उनकी तमन्ना पूरी कर दी और उनके पैसों से अपने बिल भर ली. तो आप लोग क्या कर रहे हैं सेविया में? Skydiving. Really? Yeah. इन्हें प्लेन से कूद के सीधे जेल में पहुंचे उस दिन. कुछ ऐसे ही. But उसके अलावा काम क्या करते हैं? Well, I'm a financial broker in London. Money man. And you? मेरी फैमिली का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है. ओह, कोई बात नहीं, गलती हर एक से हो जाती है. That's funny. तो इनका ज़ेरॉक्स कॉपी है. और आप? मैं लिखता हूँ. क्या? एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर. एडवर्टाइजिंग में तो जो लिखते हैं वो दूसरों के लिए, जैसे ये पेंटिंग मैंने बनाई है दूसरे के लिए. अपने लिए भी कुछ लिखते हो? हाँ, लिखता हूँ. सर, सलमान. या हम बाहर वेट करते हैं. तुम्हारे हाथ बिल्कुल मेरे जैसे हैं. आप अकेले रहते हैं? नहीं, वाइफ हैं, बट शी इज अवे, पेरिस गई हुई. और आपके बच्चे? इंडिया आते हैं कभी? हाँ, 4 साल पहले गया था जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था. सॉरी. एक भाई भी है मेरे वहां, पर we don't meet. तुम्हारे बारे में कई दफा सोचा मैंने कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं शायद तुमसे मुलाकात होगी, पर ये नहीं समझ पाया कभी भी कि जब तुमसे मिलूंगा तो कहूंगा क्या. सच कही? सच होता क्या है? हर एक का अपना अपना वर्जन होता है सच का. लुक, मैं 25 साल का था. राहिला शायद मुझसे 1-2 साल छोटी थी. उस उम्र में किसको ख्याल आता है कल का? वी वर जस्ट किड्स. एक दिन पता चला, राहिला ने मुझे बताया कि शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी. मैं उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था, अब भी नहीं हूं. तो बस सब छोड़कर चले? हाँ, एक नजरिए से देखा जाए तो हाँ. राहिला घर बसाना चाहती थी, मां बनना चाहती थी. मेरे ख्वाब अलग थे, मुझे आर्टिस्ट बनना था. आई वॉन्टेड टू पेंट, आई वॉन्टेड टू ट्रेवल द वर्ल्ड. आई लव्ड हर, लेकिन मैंने अपना फैसला किया और उसने अपना. दैट्स ऑल. मुझे आपके बारे में पिछले साल पता चला, लेकिन आप इतने बरसों से जानते थे कि मैं हूं कि आपने कभी मुझसे मिलना नहीं चाहा. मैंने सोचा यही बेहतर है. तो
तुमने ही कहा था ना तुम सच सुनना चाहते हो. यही सच है. ओके. I'm sorry, Imran. No, you're not. कुछ कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? Sorry, तब कहिएगा जो प्यास लग रही है, please. जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है. ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं. थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा. आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है. क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है. मॉर्निंग. सोया तो क्यों नहीं? लेकिन आई थिंक निकलना चाहिए. चले अर्जुन. रियली सॉरी. You're the car.